ਹਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਡਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨੀ ਬਈ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨੀ ਮਿਲਦੇ ਯਾਰੋ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਓ ਆ ਕਿਸਾਨਾ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਅਡਾਣੀ ਅਵਾਣੀ ਮੋਦੀ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज चक्का जाम किया गया रेल का। ग्वालियर जिले में जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त सेंट्रल जेल के बाहर, उस वक्त इस जिले में दो स्थानों पर किया गया, डबरा में, ग्वालियर में। ग्वालियर में लगभग 500 के करीब लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके का जनसमर्थन था, 500 से अधिक लोग तो यहीं गिरफ्तार हुए हैं, जिस तरीके का जनसमर्थन था वो एक चेतावनी है सरकार के लिए कि वो किसानों के इस संकट का शीघ्र समाधान करें, वरना उसके लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता है। आज का पूरे देश भर में जारी चक्का जाम मध्य प्रदेश के भी अनेक शहरों में और अनेक जिलों में हुआ है। भिंड से भी खबर आ रही है कि भिंड में भी दो स्थानों पर चक्का जाम किया गया है। अभी हम राजापुर के पास जो रेलवे ट्रैक है अजारका स्टेशन, वहां पर रेल रोको आंदोलन के लिए उपस्थित हुए हैं किसान साथी और यहां पर पटरियों में बैठकर रेलों को रोकने का कार्यक्रम जारी है, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, सभी प्रकार के किसान आपको देखने को मिलेंगे। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के तहत 4 घंटे का देशव्यापी रेल रोको जो अभियान किया गया है, उसको किसानों की तरफ से और आम जनता की तरफ से व्यापक और अपार समर्थन मिला है। आज रोहतक में भी, और न केवल रोहतक, पूरे हरियाणा में, चाहे रोहतक, जींद, भिवानी, दादरी, हिसार, फतेहाबाद, सभी जगह पे किसानों ने रेल ट्रैक को बाधित करके 4 घंटे के रेल रोक अभियान को सफल किया है। बेरोजगारों की लाइन लगातार हो रही है लंबी, दिल्ली की सड़कों पर बैठा मेरा अन्नदाता लड़ रहा है, मर रहा है, पर कहा जा रहा है चुप रहो, दिखता नहीं, देश विकास कर रहा है। पिछले 2 महीने से ऊपर होने को चले हैं, देश का सीना फाड़कर जो पूरे देश के लिए 140 करोड़ जनता के लिए, भारत देश की जो अन्न का कटोरा भरता है, वो अन्नदाता आज ठिठुरती सर्दी के अंदर जिस तरीके से भारतीय इतिहास में 1947 के बाद पहली दफा देश के अंदर ऐसा हो रहा है कि एक आपातकाल की ऐसी स्थिति बना दी है मोदी ने, एक भयाव है, डर का माहौल, जिस तरीके से पूरे देश का हर सिस्टम जो बेच डाला है इस मोदी सरकार ने कॉरपोरेट घरानों के फायदे के लिए। आज जो लड़ाई चल रही है ये इस देश की खेती को बचाने की, इस देश के मजदूरों को, किसानों को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई को किसान लड़ेगा। अंबानी, अडानी जिनका आज प्रतिनिधित्व मोदी सरकार कर रही है, उनके खिलाफ ये जो अभियान चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, ये आखिरकार अपनी जीत पे ही जाके सफल होगा। लुटन बारो बारी सजना सब सरकारा चोर ने, पहले नेता चोर सिमतरा हुण चोरा ते मोर ने, पहला साडा पानी खोया, पहला साडा पानी खोया, सीने फिर की हारी, उठ जाग किसाना होए, आ गई हक लैण दी वारी, उठ जाग जोधिया होए, आ गई हक लैण दी वारी। Thank you.